शामली के थाना भवन में क्राइम ब्रांच टीम ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सैनी के घर पर छापा मारा। इस दौरान क्राइम ब्रांच टीम ने बीजेपी नेता के घर पर जुआ खेल रहे 25 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीजेपी नेता मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इसके साथ ही पुलिस ने ताश की दर्जनों गड्डियों और 5 लाख की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के घर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि के लोग जुआ खेलने आते हैं। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। आज शामली जनपद के थाना भवन थाने के अंतर्गत काम्बोज मोहल्ले में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5,16,000 रुपया बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना स्तर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और जो भी सट्टा खेलने वाले हैं उनके खिलाफ जानकारी हासिल की जा रही है। सर, जिस भाजपा नेता के घर में ये सट्टा चल रहा था, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया? जो भी अवैध काम करेगा इस संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, ये सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई है। सर, 27 लोग। आपको बता दें कि एसपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में बीजेपी नेता नरेंद्र सैनी के घर पर हाई प्रोफाइल जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच टीम और खुफिया विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से भाजपा नेता के घर पर छापेमारी की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट।